गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड क्लास में सब्जेक्ट हिंदी सेकेंड लेसन 6 वचन, कौन सा लेसन पढ़ेंगे? वचन। चित्र देखिए और उनके नीचे लिखे शब्द पढ़िए। लड़का लड़के, घड़ी घड़ियाँ, माला मालाएँ, पुस्तक पुस्तकें। चित्रों में लड़का, घड़ी, माला, पुस्तक शब्द उनके एक होने का बोध करा रहे हैं, जबकि लड़के, घड़ियां, मालाएं, पुस्तकें शब्द उनके एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं। जिस शब्द में एक अथवा एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। समझ में आई आपको? जैसे इसमें एक है लेकिन एक से अधिक होने का पता लग रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? वचन। वचन के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द से केवल एक व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के बारे की जानकारी मिलती है, जैसे घोड़ा, नदी, माता। बहुवचन शब्द से अधिक व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे घोड़े, नदियां, माताएं। जैसे कि आपने ऊपर पिक्चर में देखा था, लड़का एक वचन, लड़के बहुवचन, घड़ी एक वचन, घड़ियाँ बहुवचन, माला एक वचन, मालाएं बहुवचन, पुस्तक एक वचन, पुस्तकें बहुवचन। इसी प्रकार ये देखिए एक वचन और उनके बहुवचनों के उदाहरण। अब हम नीचे ये उदाहरण दिए हुए हैं, हम ये करेंगे एक वचन और बहुवचन। चूहा चूहे, झूला झूले, गधा गधे, बस्ता बस्ते, तोता तोते, कुत्ता कुत्ते। अब हम नेक्स्ट पेज करेंगे, पेज नंबर 29, एक वचन और बहुवचन। पंखा पंखे, दरवाजा दरवाजे, छाता छाते, दवात दवाते, चादर चादरें, राखी राखियां, मिठाई मिठाइयां, बिल्ली बिल्लियां, सलाई सलाइयां, रोटी रोटियां, माता माताएं, केला केले, बकरा बकरे, जूता जूते, बहन बहने, रात रातें, थाली थालियां, दवाई दवाइयां, मोमबत्ती मोमबत्तियां, मछली मछलियां, महिला महिलाएं, लता लताएं, बेटा बेटे, पैसा पैसे, पत्ता पत्ते, आँख आँखें, बात बातें, टहनी टहनियाँ, लड़की लड़कियाँ, सब्जी सब्जियाँ, कन्या कन्याएं, ऋतु ऋतुएं, गुड़िया गुड़ियाँ। ये आपने देखा, ये एक वचन है और ये बहुवचन है। एक वचन जिसमें एक के होने का पता लगता है और बहुवचन जिसमें एक से अधिक होने का पता लगता है। अब ये एक वचन और बहुवचन जो हमने अभी पेज नंबर 28 पे किए ये, और ये 29 पे जो हमने किए, ये आप अपनी नोटबुक में करोगे। ओके, ये सब के सब आप अपनी नोटबुक में लिखोगे और आप ये भी क्वेश्चन लिखोगे कि वचन किसे कहते हैं, जिसका आंसर है ये, जिस शब्द से एक अथवा एक से अधिक होने का
पता चलता है उसे वचन कहते हैं। और सेकंड क्वेश्चन आप ये लिखोगे, वचन के कितने भेद होते हैं? तो आप आंसर उसका लिखोगे, वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ओके, और उसके बाद हम नेक्स्ट अप करेंगे अभ्यास, ये आप अपनी बुक में ही करेंगे। नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिख लिए, ये क्या है, तितली है कि तितलियां हैं, ज़्यादा है ना, तो लिखेंगे तीन तितलियां, दो किताबें, एक लड़की, ये एक है ना, इस लड़की आएगा, और एक से अधिक होती दो या तीन तो लड़कियां, इसलिए यहाँ पे एक है तो एक लड़की, दो चूहे, एक घोड़ा, दो टोपियाँ। ये जो अभ्यास का हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है, नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखे, ये आप अपनी बुक में करेंगे। ओके, यस, अब आप नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 30। चित्रों को देखकर वाक्य पूरे कीजिए। किस चीज़ का चित्र है, ये क्या है, गायें, गायें घास चर रही है। यहाँ पे एक गाय थी, लेकिन यहाँ पे एक से अधिक है, तो क्या लिखेंगे, गायें घास चर रही है। यहाँ नीचे आइए, मेज पर एक केला रखा है, मेज पर तीन केले रखे हैं, ये एक वचन है और ये बहुवचन है। मुर्गा दाना खा रहा है, मुर्गे दाना खा रही हैं, ये गलत है, रही नहीं, रहे हैं आएगा, क्या आएगा, दाना खा रहे हैं, आप इसमें एक ही मात्रा लगा देंगे, रहे हैं। ओके, यस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। कहानी शब्द का बहुवचन क्या होगा, कैसे लिखेंगे कहानियाँ, जब हम एक वचन से बहुवचन में लिखते हैं और आखिरी वाले अगर अक्षर में बड़ी की मात्रा आती है तो बहुवचन में लिखने के लिए वो मात्रा छोटी की लग जाती है। कहानियाँ, कहानिये, कहानियाँ, ये सही है, कहानियाँ। पत्ता शब्द के बहुवचन पत्ते, माला शब्द का बहुवचन मालाएं, बंदूक शब्द का बहुवचन बंदूकें, ये सही नहीं है, ये क के ऊपर भी आएगी बिंदी। ओके, बंदूकें। नाव शब्द का बहुवचन नावें, चूहिया का चूहिया, चंद्रबिंदु आ जाएगा, चूहिया चूहियां, चूहिया शब्द का बहुवचन क्या होगा, चूहियां। अब ये वाला भी क्वेश्चन जो ऊपर आपने सेकंड क्वेश्चन किया है, ये भी आप अपनी बुक में करेंगे, ये थर्ड क्वेश्चन भी आप अपनी बुक में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए, पेज नंबर 31। वो जो आपने क्वेश्चन 3 किया है उसका ही पार्ट है, रानी शब्द का बहुवचन है, बताइए, रानियां, छोटी की मात्रा आ जाएगी ना, तो रानियां, क्या आएगा, रानियां, रानी शब्द का बहुवचन, छोटी की मात्रा आ जाएगी तो रानियां, क्या लगेगा, रानियां। नीचे बने मटके के चित्र में कुछ शब्द लिखे हुए हैं, एक वचन और बहुवचन के सही जोड़े बनाकर दी गई जगह पर लिखे। ये देखिए, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, झूला झूले, अब इसमें साइकिलें, तो एक सिंगल शब्द भी होगा, साइकिल साइकिल साइकिलें, शीशी शीशियां, झूला झूले, पौधा पौधे, रोटी रोटियां, मोमबत्ती मोमबत्तियां। तो ये फोर्थ क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ये आपका होमवर्क है। ओके, यहाँ पे आप एक वचन लिखेंगे और यहाँ पे आप बहुवचन लिखेंगे, और ये बाकी जो ये क्वेश्चन अपन ने भी किए हैं, क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन थर्ड, ये भी आप बुक में करेंगे। ओके, ओके, आपको समझ में आया हमने कौन सा लेसन किया है आज, वचन, एक वचन, बहुवचन।
तो ये अब आप लेसन के जो ये एक वचन और बहुवचन है, ये आप अपनी कॉपी में करेंगे यानी नोटबुक में, और बाकी अभ्यास का क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन थर्ड एंड क्वेश्चन फोर्थ, ये आपका होमवर्क है, ये आप नोटबुक में करेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।